नए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जेडीयू के कई विधायक अब अमित शाह से पहुंचने दिल्ली आ गए हैं, बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। जहां जिस तरीके से लगातार बिहार में सियासत कहीं ना कहीं पटरी पर आती नहीं दिख रही है, और इस बीच नीतीश कुमार ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली उसके बाद ही उनके साथ इतना बड़ा खेल हो गया है। और बीजेपी ने यह बात कही थी कि नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन सरकार में ज्यादा दिनों तक वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। और इस बात को लेकर के अब उन्होंने जिस तरीके से तमाम रणनीति बनाई है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं जेडीयू के कई एमएलए फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई एमएलओ ने इस तरीके के बयान भी दिए थे, संकेत भी दिए थे पहले कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है वो पार्टी हाई कमान के सामने खुल करके आ सकती है। और ऐसा ही हुआ, जिसका डर था वही नीतीश कुमार को अब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार इस उम्मीद में थे कि बिहार में सत्ता बनाने के बाद आरजेडी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस सत्ता को भुना पाएंगे, यानी कि यादव वोट बैंक जो है और कुर्मी वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जो है, उन दोनों वोट बैंक का जो मिला जुला असर है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में भारी पड़ने वाला है। लेकिन अभी तो वो दूर की कौड़ी नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो उनके साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं उनके सत्ता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर उन विधायकों ने पार्टी को छोड़ने की बात कह दी तो फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही किसी भी गठबंधन में रहे लेकिन सत्ता पर काबिज वही रहते हैं। यानी कि अगर वो एनडीए सरकार में भी शामिल होते हैं, एनडीए के साथ भी जाकर के सरकार बनाते हैं, तब भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही होते हैं। और आज जब वो आरजेडी के साथ गए हैं तब भी मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ही ली है, हालांकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ने शपथ ली। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी की अगर बात करूं मैं यहां पर आरजेडी, तो 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में। लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा संख्या दल होने के बावजूद 45 सीटों वाली पार्टी जेडीयू के सामने उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकारना कबूल किया। साथ ही आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से जेडीयू के एमएलए तमाम पहुंचे हैं अमित शाह के पास, तो अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से मिशन लोटस का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी के द्वारा किया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।